आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर दोनों दलों को शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई है कि पिछले 4.5 साल में जो कुछ नहीं हुआ है, प्रदेश सरकार के आखिरी सत्र में जनहित के मुद्दों पर चर्चा और बहस होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास आखिरी मौका है कि वे अपने 4.5 साल के निकम्मेपन का टैग इस सत्र में जनहित के फैसले लेकर हटाए और दोबारा सरकार बनाए, नहीं तो जनता स्वयं फैसला लेगी कि उन्हें किसे सत्ता पर आसीन करना है। नमस्कार, आज विधानसभा का और इस सरकार का कार्यकाल का आखिरी मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की जनता को सत्ता पक्ष से और विपक्ष से बड़ी उम्मीदें हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता की जो मांग है, जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उसके ऊपर फाइनल मोहर लगेगी, उसको आज विधानसभा में पास किया जाएगा और लोगों को राहत दी जाएगी। विपक्ष और सत्ता ने जो पिछले 4.5 साल में हिमाचल प्रदेश में खेल खेला है, विपक्ष हमेशा मुद्दों से वॉकआउट करता रहा, सदन से भागता रहा, और सत्ता पक्ष ने इस कुशासन को चलाने के लिए मनमानी की है। निकारे और निकम्मेपन का जो इन दोनों पार्टियों पर और हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर जो धब्बा लगा है कि 4.5 साल इन लोगों ने कुछ नहीं किया, जनता के मुद्दों पर जनता के जो काम थे वो नहीं किए, तो ये आखिरी मौका है सत्ता पक्ष के पास भी और विपक्ष के पास भी कि वो ये जो टैग उनके ऊपर लगा है कि ये निकम्मे लोग हैं, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, तो आखिरी मौका है इस सत्र में इनको मिलकर काम करना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए और जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाना चाहिए। 4.5 साल के कार्यक्रम में, 4.5 साल के कार्यकाल में इनका ये जो खेला हिमाचल प्रदेश की जनता देख रही है वो आज खत्म हो जाना चाहिए। बागवान, किसान सब अपनी मांगे लेकर सड़कों में हैं, पेंशनर सड़कों में है, महिलाएं महंगाई को कम करवाना चाहती है, बेरोजगार रोजगार के लिए सरकार के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, स्कूलों की, सड़कों की और अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है। तो ये जो सारी चीजें, जो सारी समस्याएं, जो सारे काम है हिमाचल प्रदेश के, वो इस सत्र में पास हो जाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।